तो दोस्तों भाई कैसे आप सभी लोग। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एक चूज़ा भी एक्सपायर हुआ था, और दोस्तों ये चूज़ा भी लगभग एक्सपायर होने के कगार पे दोस्तों। न तो मुझे लगता है या तो इसे CID हुआ है, या दोस्तों इसे जो एक आती है मुर्गों में दोस्तों रानीखेत की बीमारी दोस्तों वो हो चुका है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों ये किस तरह की लंबी लंबी सांस ले रहा है। और दोस्तों आप देखिए भाई, ये चूज़ा मुझे नहीं लगता कि दोस्तों ये चूज़ा थोड़ी देर तक और टिकेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए भाई, ये चूज़ा दोस्तों अभी बीच में दोस्तों अच्छी तरीके से ग्रोथ करा था दोस्तों, अच्छी तरीके से दाना पानी भी खा रहा था। तो दोस्तों इसकी तबीयत कल से ख़राब हुई थी, और दोस्तों कल भी इसने कुछ दाना पानी नहीं खाया था। मैंने थोड़ा बहुत इसको दोस्तों कल हाथ से खिलाया था, और दोस्तों अभी भी मैंने इसको थोड़ा बहुत हाथ से खिलाया है। अभी दोस्तों चूजा तो देखिए दोस्तों भाई साहब, बिल्कुल ये चूजा ऐसा लग रहा है लास्ट कंडीशन में। और दोस्तों भाई ये अंतिम ये सांस ले रहा है, और दोस्तों थोड़ी देर में मुझे लगता है कि एक्सपायर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों पता नहीं आ रही इन सारे चूजों को दोस्तों क्या हो गया भाई, धीरे धीरे करके सब चूजे एक्सपायर हो रहे हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए भाई, अब एक बार इस चूजे की ग्रोथ देखिए भाई दोस्तों, इस चूजे की ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से हो गई है दोस्तों। और दोस्तों बिल्कुल प्योर वाइट में दोस्तों मुर्गा या मुर्गी बन रहा था, लेकिन दोस्तों यार इसे पता नहीं अचानक से क्या हुआ है। अगर दोस्तों चूजा बच जाता है तो दोस्तों आपको बताना कि भाई इसको क्या बीमारी है दोस्तों, इसको क्या खिलाना चाहिए भाई जिससे ये अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। तो दोस्तों अभी ये माता वाली बीमारी से दोस्तों अभी कवर हो ही रहा था दोस्तों फाउल फोक्स से, लेकिन दोस्तों अब इसे अचानक से पता नहीं यार क्या हो रहा है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि चूजा दोस्तों बच पाएगा। और दोस्तों हमारी जो कड़कनाथ की मुर्गी थी दोस्तों, सिर्फ एक मुर्गी बची हुई दोस्तों, और दोस्तों बाकी सारे को तो आपको पता ही है दोस्तों के कुत्ते पकड़ के ले चले। और तो ये चूजा यार अभी मैं जब आया था तब थोड़ा ठीक था, लेकिन दोस्तों अभी जैसे मैंने इसे दाना पानी खिलाया वैसे दोस्तों इसकी हालत और ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों पता नहीं ये चूजा यार थोड़ी देर में और रुकेगा दोस्तों, एक्सपायर हो जाएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है दोस्तों। लेकिन अभी बाकी चूजों को देखते हैं कि वो चूजे किस तरीके से भाई घूम फिर रहे हैं कि नहीं। और दोस्तों यार इस वाले चूजे को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रही यार, क्योंकि दोस्तों आप भाई देखिए, और दोस्तों मुझे लगता है ये चूजे की भाई अंतिम सांस है दोस्तों। आप देखिए यार किस तरीके से, मतलब दोस्तों हमारे चूजा दोस्तों पाला हुआ चूजा यार दोस्तों एक्सपायर हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा यार। अरे यार दोस्तों सिर्फ इसकी अंतिम सांसें चल रही है, अब ये नहीं बच पाएगा। और भाई साहब आप एक बार इसकी देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आप एक बार देखिए दोस्तों हमारे चूजे की दिल किस तरीके से धड़कन कर रहा है, मतलब दोस्तों किस तरीके से अंदर भर रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों इसका हार्ट फेल हो चुका है, क्योंकि भाई ये इस तरीके से जो कर रहा है। तो दोस्तों एक बार इस चूजे की ग्रोथ देखिए यार, मुझे नहीं लगता था कि दोस्तों हमारे चूजा एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये चूजा एक्सपायर होने के कगार पर दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्टिव दोस्तों ये चूजा था, और दोस्तों अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर रहा था। एक बार आप इसके पंख और दोस्तों इसकी हेल्थ हाइट देखिए। मैं आपको एक बार हमारे दूसरे चूजे दिखाता हूँ, देखिए आपको उनकी ग्रोथ देख के मालूम पड़ जाएगा। देखिए भाई इन सभी चूजों की ग्रोथ देखिए दोस्तों कितनी कम है, और अभी जो मैंने आपको चूजा दिखाया था भाई उसकी ग्रोथ देखिए आप कितनी ज़्यादा ग्रोथ थी दोस्तों उसकी। दोस्तों ये सब चूजे की ग्रोथ देखिए दोस्तों, उस वाले चूजे के सामने कुछ भी नहीं लगते हैं दोस्तों, ये किस तरीके से यार कितना अच्छा बड़ा हो गया था दोस्तों। लेकिन पता नहीं यार अब जो भगवान की इच्छा है दोस्तों, ये जो हमारा ब्लैक वाला चूजा है दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट ये चूजा भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सबसे पहले बड़ा था, लेकिन दोस्तों ये चूजे की ग्रोथ बीच में रुक चुकी थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस चूजे की ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। और दोस्तों हमारे जो कबूतर थे वो तो बिल्कुल भाई, वो देखिए दोस्तों ये हमारा कबूतर उड़ के अभी आ रहा है, और ये भाई यहाँ पर बैठ गया। मुझे लगता है दोस्तों हमारे कबूतर बिल्कुल जंगली हो चुके हैं दोस्तों। अब एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए भाई साहब ये तार पर जो बैठे हुए ना, ये दोस्तों हमारे ही कबूतर हैं। और दोस्तों हमारे चूजे देखिए आराम से यहाँ घूम फिर रहे हैं। अगर आपको पता हो कि भाई हमारे चूजों को क्या बीमारी हुई जिससे दोस्तों इनकी ग्रोथ भी कम हो रही है, और दोस्तों ये इस तरीके से मतलब भाई छोटे रह गए, अगर आपको पता हो तो भाई आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सबको सब्सक्राइब जरूर से करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।